कई सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो म्यूरल से रिलेटेड हैं, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिए हैं क्योंकि इस समय मैं वीडियो बना रही हूँ अपने मोबाइल से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि म्यूरल पेंटिंग कैसी होती है। म्यूरल पेंटिंग को आप 3D पेंटिंग भी बोल सकते हैं। जब आप गूगल में डालते होंगे म्यूरल पेंटिंग, तो मोस्टली आपको केरला की म्यूरल पेंटिंग्स खुल के आती होंगी, क्योंकि केरला की म्यूरल पेंटिंग डिफरेंट होती है और ये म्यूरल पेंटिंग थोड़ी सी 3D लुक देती है। इसको हम लोग क्ले से बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एमसील एंड शिल्पकार। एमसील और शिल्पकार दोनों सेम चीज है। एमसील टू टाइप्स की होती है, एक ब्लैक एमसील एक व्हाइट एमसील। ब्लैक एमसील हम लोग हार्डवेयर के काम में यूज करते हैं और व्हाइट एमसील हम लोग क्राफ्ट के क्रिएशंस में यूज करते हैं। शिल्पकार जो है वो व्हाइट एमसील है, जिसको की हॉबी आइडियाज ने शिल्पकार के नाम से निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर आई कैन परचेज एमसील। एमसील मीन्स यानी कि शिल्पकार आप किसी भी क्राफ्ट शॉप में जाके परचेज कर सकते हैं, और ये कई हार्डवेयर शॉप में लोकल ब्रांड्स की भी आती हैं जो थोड़ी सी शिल्पकार से चीप होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लमासा एंड एमसील। ओके, लमासा क्ले जो है वो आप घर पे बना सकते हैं, जिसके लिए हमें कॉर्नफ्लोर और फेविकोल चाहिए होता है, और बाद में इसको हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ में मिक्सअप करना पड़ता है। एमसील रेडीमेड आती है और ये काफी ड्यूरेबल होती है। ड्राई होने के बाद में ये एकदम स्टोन के जैसी हो जाती है। आई प्रिफर टू वर्क विथ एमसील, बट मैं लमासा क्ले भी आने वाले वीडियोज में ट्राई करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन आई मेक ज्वेलरी विद एमसील और शिल्पकार। यस, शिल्पकार इज मल्टीपर्पज। आप शिल्पकार से कुछ भी बना सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन क्रिएट विद एमसील, लाइक बास्केट, ज्वेलरी, म्यूरल्स, वॉल हैंगिंग्स, एनीथिंग एल्स, जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप वो शिल्पकार के साथ में क्रिएट कर सकते हैं। वेयर आई कैन गेट MDF। MDF बोर्ड आप जानते होंगे, जब हम लोग म्यूरल्स बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग एक बेस यूज करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आता है। ये MDF हमको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। ऑनलाइन आपको ये Amazon पे नहीं मिलेंगे, ना ही Snapdeal पे मिलेंगे। मिलेंगे भी तो एक दो डिजाइन्स मिलेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप Facebook में कई सारे क्राफ्ट आइटम से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, लाइक फैब्रिकल हॉबी आइडियाज, क्राफ्ट फॉर सेल, सो मैनी ग्रुप्स। तो आप उसको ज्वाइन करिए, आप उसमें अपना क्वेश्चन पोस्ट करिए और आपको बहुत सारे लोग रिप्लाई करेंगे। मेरे पास एक का कॉन्टेक्ट नंबर है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। नेक्स्ट है कैन आई यूज एमसील इन ग्लास। यस, आप एमसील को किसी भी सरफेस पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वार्निश विच टाइम यू आर यूजिंग। वार्निश इज अ ट्रांसपेरेंट स्प्रे पेंट। मैं यूज करती हूँ बोस्नी का ट्रांसपेरेंट स्प्रे। ये कई सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है और ये आपको Amazon पे भी मिल जाएगा, और साथ में किसी भी हार्डवेयर शॉप में ये अवेलेबल है। साथ में म्यूरल्स में रेजिन्स भी यूज किया जाता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यूज करना, इसके लिए आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, हाथ में ग्लव्स पहनना पड़ेगा। सो आई प्रिफर बोस्नी ट्रांसपेरेंट स्प्रे पेंट। जो वार्निश होता है वो हमारे म्यूरल को एक ड्यूरेबल बनाता है, वाटरप्रूफ बनाता है। नेक्स्ट है वेयर आई कैन परचेज डेंटल पाउडर और आई कैन यूज POP। डेंटल पाउडर जो है, आपको जो भी आपके एरिया में क्राफ्ट रिलेटेड
शॉप होगी वहां पे आपको मिल जाएगा। और एज इफ आपकी सिटी में ये नहीं मिल रहा है तो आप पीओपी यूज कर सकते हैं, वाइटनिंग पाउडर यूज कर सकते हैं, जो कि 30 और 35 रुपीस में किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाता है। सेम प्रोसीजर है जो हम डेंट पाउडर के साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू यूजिंग पाउडर इन योर हैंड व्हाइल मेकिंग म्यूरल? यस, जब हम म्यूरल क्रिएट करते हैं, एमसील से काम करते हैं, तो एमसील थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो आपके हाथ में ना चिपके इसलिए हम लोग बीच बीच में पाउडर यूज करते हैं। ये कोई भी टेलकम पाउडर आप यूज कर सकते हैं। विच कलर यू आर यूजिंग? ओके, आई एम यूजिंग मोस्टली हॉबी आइडियाज एक्रेलिक कलर्स। मैं ज्यादातर एक्रेलिक कलर ही यूज करती हूँ अपने सारे जितने भी क्रिएशंस हैं। समटाइम्स मैंने एशियन पेंट्स के स्मॉल स्मॉल से बॉक्स आते हैं वो मैंने न्यूज़पेपर रिव्यू में यूज किया है, लेकिन बस उसको ड्राई होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। विच ब्रांड गोल्डन पर्ल कलर आई एम यूजिंग? पर्ल कलर, पर्ल कलर भी हॉबी आइडियाज में अवेलेबल है। गोल्डन, सिल्वर, व्हाइट, ब्रॉन्ज, यू कैन यूज हॉबी आइडियाज और कैमल, कैमलिन, एनी ब्रांड यू कैन यूज। आई एम यूजिंग हॉबी आइडियाज एंड स्प्रॉन्स। ओके, अभी ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मैं आपको म्यूरल से रिलेटेड कुछ टिप एंड ट्रिक्स दे देती हूँ। तो सबसे पहला ट्रिक ये है कि जब भी आप म्यूरल के लिए क्ले मिक्स करते हैं तो उसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, क्योंकि अगर वो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हुआ तो वो ड्राई नहीं होगा। नेक्स्ट, आप 15 से 20 मिनट में जितना काम कर पाए आप उतना ही क्ले मिक्स कीजिए, क्योंकि एमसील बहुत ही जल्दी ड्राई होता है और फिर ये स्टोन बन जाएगा, फिर आपके किसी काम का नहीं रहेगा। सो रिमेम्बर, आप जितना काम 15 से 20 मिनट में कर पाए उतना ही क्ले मिक्स कीजिए। फिर नेक्स्ट आता है टेक्सचर वर्क। टेक्सचर वर्क के लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, पर आपको उसको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर की वेस्ट चीज़ों से टेक्सचर दे सकते हैं, जैसे कि कॉम्ब, टूथपिक, प्लेट, एनीथिंग एल्स, ब्रश, टूथब्रश, कुछ भी, फिंगर्स, आपके पास जो कुछ भी है आप उससे टेक्सचर दे सकते हैं। इसके बाद आप म्यूरल में कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं, वेस्ट सीड्स, सी शेल, स्टोन्स, टिश्यू पेपर, स्क्रैप पेपर, एनीथिंग एल्स, इट्स कॉल्ड मिक्स मीडिया। इसके बाद बारी आती है वार्निश। वार्निश हमेशा जब आपका म्यूरल एकदम बन के कंप्लीट हो जाए, ड्राई हो जाए, तब आप लास्ट में उसमें वार्निश कर दीजिए। इट विल गिव द ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर प्रूफ। नेक्स्ट, जब आपका म्यूरल कभी गंदा हो जाता है, आपको उसमें डस्ट नजर आती है, तो ये वाटर प्रूफ है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसको पानी डाल डाल के साफ कर। बेस्ट ऑप्शन है एक ब्रश लीजिए, ड्राई ब्रश लीजिए और उससे क्लीन कर दीजिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ से परचेज करती हूँ अपना म्यूरल का मटेरियल। मैं पुणे में रहती हूँ और यहाँ पे तुलसी बाग और रविवार पे दो मार्केट हैं जहाँ पे म्यूरल से रिलेटेड मटेरियल और अदर क्राफ्ट मटेरियल बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। पर ये मेरे घर से काफ़ी दूर हैं। जो लोग पुणे के हैं या कभी पुणे विजिट करते हैं यहाँ से परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं एड्रेस। इसके साथ मैं वीनस स्टोर से भी काफ़ी सारी चीज़ें परचेज करती हूँ जो कि काफ़ी मेरे घर से नज़दीक है। यहाँ पर मॉडर्न क्राफ्ट रिलेटेड सारे आइटम्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्टिकर्स, चार्ट पेपर्स, कलर्स, ब्रश, ऑल टाइप ऑफ ब्रशेस। क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक्स टू एवरीवन टू सपोर्ट मी करूँ। ओके, बाय।